हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू समना क्लासेस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एच ई वन मीन्स ह्यूमन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स ये है आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2019 का ए एच ई वन का क्वेश्चन पेपर है ये तो इसका हम पैटर्न देखते हैं कि किस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर आता है क्या टाइम लिमिट दी जाती है इसे सॉल्व करने के लिए और कितने मार्क्स का ये आता है ठीक है तो मैक्सिमम मार्क्स जो है इसके वो हंड्रेड हैं मतलब कि इसमें जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं वो हंड्रेड मार्क्स में से दिए जाते हैं और टाइम लिमिट जो दी जाएगी वो आपको सॉल्व करने के लिए वो थ्री आवर्स की दी जाएगी ठीक है और इसके अंदर यहाँ पर एक नोट दिया हुआ होता है अटेम्प्ट सिक्स क्वेश्चन तो इन ओल्ड क्वेश्चन नंबर वन इज़ कम्पल्सरी अटैम्प एनी फाइव क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर टू टू सेवन ठीक है तो इनमें आपको टोटली सिक्स क्वेश्चन को अटैम्प करना होता है जिसमें क्वेश्चन नंबर वन जो है वो तो कंपल्सरी है लेकिन टू से लेकर सेवन तक के जो बीच के क्वेश्चन हैं उनमें से आप कोई भी पाँच कर सकते हो ठीक है तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं तो so फ्रेंड्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर वन में आपसे पूछे जाते हैं एक्सरसाइज वर्क ठीक है तो यहाँ पे ए नंबर पर पूछा गया है डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स तो इन टर्म्स को आपको डिफ़ाइन करना है एंड सेकेंड नंबर पे आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर फिलप्स तो इन फिलप्स को आपको केयरफुली स्टडी करके फिल करना है एंड थर्ड नंबर पे पूछा गया है यहाँ पे सी नंबर पे चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्राम द टू प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स ठीक है तो ये है आपके चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इनको भी आपको अच्छी तरीके से स्टडी करके तब इनको टिक करना है एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डी नंबर पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स ठीक है तो यहाँ पे आपसे ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं एंड ई नंबर पे है आपका यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी टू पेयर्स तो इनमें से आपको टू पेयर्स को डिफ्रेंशिएट करना है ठीक है तो फ्रेंड्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो आपसे ये एक्सरसाइज वर्क पूछा जाएगा जिसे आपको केयरफुली स्टडी कर कर उसको फिल करना है क्योंकि यहाँ से आप लोग डायरेक्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और काफ़ी ईजिएस्ट पार्ट होता है ये पेपर का ठीक है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू टू सेवन जिनमें से आपको फाइव क्वेश्चन करने हैं तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशियट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर लिस्ट एंड डिस्कस एनी थ्री हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑन एनवायरमेंट थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है डिफाइन सीवेज लिस्ट एंड डिस्क्राइब द सिक्स स्टेप्स नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड फोर्थ नंबर पे है इन्यूमरेट एनी फाइव काइंड्स ऑफ टॉक्सिक वाटर पॉल्यूटेंट्स रिलीज बाय इंडस्ट्रीज कमेंट ऑन देयर सोर्सेज एंड इल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ ठीक है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर फाइव के ए पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे डिस्क्राइब द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इम्पार्टिंग एन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड बी नंबर पे पूछा गया है यहाँ पे नेम द थ्री कंसेप्चुअल मॉडल्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिस्कस ब्रीफली एनी वन ऑफ टाइम ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स और सिक्स के ए पार्ट में आपसे पूछ रखा है हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज डिग्रेड इन्वायरमेंट

तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इस तरीके से आएगा जिसमें आपसे टू से, से लेकर सेवन तक के क्वेश्चन में से आपके पास ऑप्शन होगा चूज़ करके करने का ठीक है तो आपको इनमें से फाइव क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कंपलसरी होगा ठीक अब हम देख लेते हैं अपना हिंदी मीडियम के क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके का होगा ठीक है तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा जिस तरीके से उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी तरीके आप से आपसे इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ठीक है तो पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा बस खाली लैंग्वेज चेंज रहेगी तो आप लोग अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन पेपर को स्टडी कर कर अपने आंसर दीजिएगा और फ्रेंड्स ए एच ई वन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है इस चैनल पर तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप लोग उसे हाँ से देखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ठीक है थीके? तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और, और अगर आप इसी तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में एक बेलाइकन होगी उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो